सर्वे का सेकेंड राउंड, मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी और रुक करेंगे सीधे बड़ी खबर का। वाराणसी से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, मस्जिद की पहली मंजिल का सर्वे पूरा हो चुका है। ये अपडेट आपको सर्वे को लेकर दे रहे हैं। तो लगातार दूसरे दिन भी सर्वे का काम जो है वो जारी है और पहली मंजिल पर पढ़ी जाती है नमाज। तो ज्ञानवापी परिसर के पश्चिमी छोर का सर्वे लगातार जारी है और आपको बता दें कि अपडेट मिल रहा है कि पहली मंजिल का जो सर्वे है वो पूरा हो चला है। तो पहली मंजिल पर ही नमाज पढ़ी जाती है। ज्ञानवापी परिसर के पश्चिमी छोर की बात करें तो वहां सर्वे लगातार जारी है। तो ज्ञानवापी परिसर में करीब 3 घंटे से जारी है ये सर्वे। वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी लगातार यहां पर की जा रही है और कड़ी सुरक्षा के बीच ये सर्वे हो रहा है। प्रशासनिक अमला वहां पर जुटा हुआ है और पल पल की अपडेट लगातार न्यूज स्टेट पर हम आपको हर तस्वीरों के जरिए बता रहे हैं कि किस तरह का आलम और किस तरह का माहौल वहां पर। तो कड़ी सुरक्षा किस तरह से चाक चौबंद है वो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। तो बता दें कि ये ताजा जानकारी यहां पर मिल रही है सर्वे को लेकर कि ज्ञानवापी की पहली मंजिल का जो सर्वे है वो पूरा हो चला है। बता दें कि जहां पर ये पहली मंजिल पर सर्वे किया जा रहा था वहां पर ही नमाज जो है वो पढ़ी जाती थी। मानवेंद्र हमारे संवाददाता भी जुड़ गए। मानवेंद्र, क्या ताजा जानकारी, क्या फिलहाल सर्वे को लेकर अंदर खाते से मिल रही है तमाम जानकारी? देखिए, सर्वे का काम लगातार जारी है और जो पहली मंजिल पे जो छत है वहां पर सर्वे का काम पूरा हो गया है। गुंबद के सर्वे का काम पूरा हो गया है और जिस तरह से जो बाहरी दीवार है, पश्चिमी दीवार है, उसका तालाब का सर्वे जो है वो होना, अभी उसकी प्रक्रिया चल रही है, थोड़ी देर में वो भी संपन्न हो जाएगा। और जिस तरह की खबरें आ रही हैं, आज ये पूरा काम पूरा समय से पहले ही पूरा हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से काम जिस रफ्तार से चल रहा है तो जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि 12 बजे तक का समय है और हो सकता है कि उसके पहले ही ये सर्वे का काम पूरा हो। तो सुबह 8 बजे से सर्वे शुरू हुआ था जो लगातार जारी है और जो हम कह सकते हैं कि लगभग 80% जो सर्वे का काम है वो पूरा हो गया है। और जिस तरह से जो समय था, समय के भीतर ही ये सर्वे का काम पूरा कर लिया जाएगा। और उसके बाद अगर हम बात करें, कल और 17 तारीख को कोर्ट के सामने रिपोर्ट पेश करनी है, उस लिहाज से कल जो है वहां पर बाकी प्रक्रिया पूरी हो सकती है और उसके बाद जो डॉक्यूमेंटेशन है वो उसको करके कोर्ट को सुपुर्द किया जाएगा। तो काम लगभग अब समिट रहा है जो सर्वे का है और आज ये सर्वे का काम पूरा हो जाएगा। जिस तरह से करीब 52 सदस्य हैं इस टीम में, वो उसमें प्रशासन के भी लोग हैं, दोनों पक्षों के लोग हैं और कोर्ट कमिश्नर की टीम है, सब मिला करके तमाम लोग उनके साथ हैं, वो सब सर्वे का काम लगभग आज निपटा दिया जाएगा और थोड़ा सा और समय है, उसके बाद कभी भी सर्वे टीम जो है वो वहां से बाहर निकल सकती है। जी बिल्कुल मानवेंद्र, ये जानकारी, ये ताजा अपडेट भी सामने आया कि पहले मंजिल का जो सर्वे चल रहा था वो पूरा हो गया है, इसको लेकर क्या खबर आपके पास? जी बिल्कुल, पहली मंजिल का जो सर्वे था वो पूरा हो चुका है और काफी समय हो गया उसको पूरा हुए। उसके बाद जो बाकी बचा काम है, दूसरे जो स्थान है, एक तालाब है वहां पर उसका सर्वे होना है, गुंबद है, इसके अलावा जो पश्चिमी दीवार है, ये सब सर्वे होना है। तो लगभग अब काम जो है वो खत्म होने की ओर है, समापन की ओर है। और जिस तरह से 12 बजे तक का समय है तो 12 बजे के भीतर ही आज ये सर्वे का काम पूरा कर लिया जाएगा। जो सर्वे टीम है उसने बाकायदा एक प्लान तैयार करके, जो टीम के सदस्य हैं, जिन टीम के सदस्यों का जिस क्षेत्र में स्पेशलाइजेशन है, उनको वहां पर लगा करके और वो काम लगातार चल रहा है। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, स्थानीय लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं, वो क्या समझते हैं सर्वे को लेकर के, उनसे पूछते हैं। बताएं, सर्वे अब जो है वो खत्म होने के बाद है? बिल्कुल मानवेंद्र, आएंगे आपके पास और इन लोगों से बात कीजिएगा और इस सर्वे को लेकर उनमें कितनी उत्सुकता है वो समझेंगे। लेकिन इसी बीच एक और ताजा अपडेट सर्वे से जुड़ा हुआ आपको हम बता दें, लगातार ग्राउंड पर हमारी टीम मौजूद है और ये बड़ी अपडेट ज्ञानवापी सर्वे से जुड़ी। तो बता दें कि ज्ञानवापी के सर्वे का 80% काम पूरा हो चला है और आज पूरा हो सकता है सर्वे का काम। सर्वे टीम के कुल 52 सदस्य परिसर में मौजूद है जो लगातार सर्वे में जुटे हुए और अब तक की ताजा जानकारी सामने आ रही है कि 80% जो सर्वे है वो पूरा हो चुका है। और लगातार ग्राउंड पर हमारे संवाददाता मानवेंद्र भी बने हुए जो सुबह सवेरे से लगातार हमें पल पल की अपडेट, हर एक तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं। कुछ लोग आपके पास मौजूद है, अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा, लोगों से समझिएगा कितनी उत्सुकता इस सर्वे को लेकर। मानवेंद्र, जी
जी बताएं कि जिस तरह से सर्वे का काम हो रहा है तो उसको लेकर के कितनी उत्सुकता है आप लोगों के अंदर, जो बनारस के लोग हैं जिनका विश्वास है बाबा विश्वनाथ? बाबा विश्वनाथ में यह है कि वहाँ पर जो ज्योतिर्लिंग की जो है बाबा विश्वनाथ की, वह गर्भगृह है और ये विवाद बहुत दिनों से चलता आ रहा है। जब ये सर्वे का कार्य शुरू हो चुका है तो हम लोगों में हर्ष है कि वह विवादित स्थल अब जो है न्याय हो जाएगा और यहाँ शांति व्यवस्था कायम हो जाएगा और बनारस में शांति का एक दोतक हो जाएगा। गर्भगृह में ज्योतिर्लिंग है, जो 14 ज्योतिर्लिंगों की वर्णन आता है हिंदू धर्म सनातन में, वह यहाँ पर जी विश्वेश्वर महादेव का जो ज्योतिर्लिंग है वह मूल जगह पर है। उसी पर औरंगजेब ने जो तोड़कर जो है मस्जिद बनाया था, इसका उल्लेख जो है तमाम गजट से मिलता है और इतिहास में मिलता है। उसी चीज को लेकर बनारस की 5 महिलाओं ने याचिका दायर पिछले साल किया था 22 अगस्त 2021 में, उसका जो है कोर्ट ने स्वीकार कर लिया कि कोर्ट में जो है न्याय मांगने गए कि हमको पूजा अर्चना का अनुमति दिया जाए, वो पूजा अर्चना का अनुमति मिल गया और कोर्ट के आदेशानुसार जो शांतिपूर्ण अभूत सुरक्षा बीच जो है आज जो संपन्न हो रहा है सर्वे का दूसरा दिन। और जो पूरी ढांचा का जो सर्वे हो चुका है उसमें जो भी तथ्य आएंगे, कल के सर्वे में बहुत से चीजें मिला था, ऐसा लोग बता रहे थे बयान में कि सर्वे में बहुत से चीजें मूर्तियां चिन्ह हिंदू धर्म के मिले थे, ये साक्ष्य जो है प्रमाणित करता है कि न्यायालय में वो जो है बाबा विश्वेश्वर या शिवलिंग वहाँ है। अगर गृह वो मुक्त हो जाएगा, अब वह कलंक मिट जाएगा जो बाबर और औरंगजेब ने जो इस देश पर किया है। लेकिन लड़ाई इतनी आसान नहीं है, सुप्रीम कोर्ट तक ये पूरा मामला जाएगा, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि बहुत जल्दी हमको मिल जाएगा, इतनी आसान लगती है आपको लड़ाई? ये जो है कोर्ट का मामला है ये, लेकिन कोर्ट जो है निष्पक्ष जो है करेगा क्योंकि साक्ष्य के आधार पर फैसला होता है। पहले तानाशाही चलता था, बाबर और औरंगजेब से समय में जो आदेश दे दिए वो तुरंत लागू हो जाता था, जो आदेश दिए तुरंत धर्म तोड़ना शुरू। इस समय योगी सरकार भी एक व्यक्ति का रहता है तो तुरंत दे देते हैं, लेकिन ये जनमानस का आस्था का केंद्र होने के कारण ये न्यायालय में चला गया है और आहिस्ता आहिस्ता शांति व्यवस्था को कायम करते हुए इस पर न्यायालय का फैसला निष्पक्ष आएगा और जैसे अयोध्या में उसी तरह शांतिपूर्ण माहौल में इस देश शांति व्यवस्था कायम होगी। आप बताएं आपको क्या लगता है कि इस सर्वे से क्या कुछ निकल करके आएगा? सर्वे से जो साक्ष्य है ऐतिहासिक साक्ष्य मूल होता है, पुरातात्विक साक्ष्य जो है वह निकल कर आएगा क्योंकि इसमें वर्तमान में पुरातात्विक साक्ष्य है। अब यह है कि मंदिर के पक्ष में जो है मूर्तियां निकलेंगी। अभी केवल वीडियो सर्वे जो हो रहा है उसमें वीडियोग्राफी फोटोग्राफी हो रही है, पुरातात्विक साक्ष्य तो ASI जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसका सर्वे करेगा तब निकल करके ये बात आप सही करें, आर्कियोलॉजिकल सर्वे जब वो करेगा तब मिलेगा, मगर जो चिन्ह है जो हिंदू प्रतीक चिन्ह है जो दीवालों पे खुदे हुए हैं, जो वहाँ के स्तंभों में खुदे हुए हैं, जो शिलापट पे खुदे हुए हैं, यह भी एक जो है पुरातात्विक साक्षी ही होता है और इसको भी न्यायालय जो है मानता है, इसको इनकार नहीं कर सकता है। तो बहुत बड़ा पुरातात्विक साक्ष्य जो है उसके पश्चिम दीवाल है, नंदी है, शिलापट है, शिवलिंग है और वृषभ है, सर्प है, ये त्रिशूल है, घड़ा घंट है, कमल है, जो आपको लगता है वहाँ मौजूद है, मस्जिदों में नहीं होता है। कल एक मगरमच्छ का जो है चित्र जो है प्रकाशित हुआ था कि उसमें मगरमच्छ का मिला है, तो कहीं भी मस्जिद में मगरमच्छ का चित्र नहीं होता है। ठीक है, किसी भी प्रतीक मस्जिद में नहीं बनाई जाती है, कोई मूर्ति नहीं बनाई जाती है, वहाँ कोई मूर्ति का कंसेप्ट ही नहीं होता है, ये तो मंदिरों में कंसेप्ट होता है। तो मंदिर में ये जो है पुरातत्व उसको जो है कोर्ट स्वीकार करेगा और उसके आधार पर जो है, क्योंकि और जो है ये जो है मुकदमा जो है 1991 में शुरू हुआ था, उस समय सोमनाथ व्यास और रंगराज शर्मा करके दो व्यक्ति ने 1991 में मुकदमा दायर किया। उसमें जो है उनके वकील थे विजय शंकर रस्तोगी थे। 2000 में क्या है कि 1992 का जो है 91 का एक्ट आया, उसने तत्काल रूप से उसको रोक लगा दिया और स्वाभाविक है कि दोनों जो वादी थे 2000 में जो ब्यास जी की मौत हो गई तो ये मुकदमा जो है पेंडिंग पड़ गया और 2018 में विजय शंकर रस्तोगी का ये इन्होंने पटिशन दिया कि उसके वकील मैं ही बचा हूं, इसलिए ये मुकदमा। कानूनी लड़ाई से लगता है कि आपको जो आप चाहते हैं वो मिल जाएगा? कानूनी लड़ाई से ही मिलेगा, ये औरंगजेब का शासन तो है नहीं कि जिस तरह की चीजें वहाँ पर मिल रही है, आपको क्या लगता है कि कोर्ट उसको एक्सेप्ट करेगा कि ये प्रमाण है वहाँ पर मंदिर होने का? कोर्ट जो है जब पुरातात्विक साक्ष्य मिलेगा तो उस कोर्ट को स्वीकार करना होगा।
जैसे राम जन्मभूमि में के मोहम्मद ने बताया कि हाँ ये पुरातात्विक साक्ष्य बता रहा है कि यह जो मंदिर था कोर्ट ने स्वीकारा। ठीक है, आपको क्या लगता है कि साक्ष्य पर्याप्त हैं साबित करने? ये सारी चीज अभी हमारे भाई साहब बता रहे हैं, गौरी जो है उसी तरफ से जो है मुंह करके बैठा थे। सारे हिंदुस्तान के सारे मंदिरों में देखा जाए तो जो नंदी जी की प्रतिमा की बात, हाँ नंदी की प्रतिमा जो उसी वो साबित करता है ऑटोमेटिक कि हाँ वो जो उसका मुंह है वो एकदम मंदिर की तरफ है। लेकिन वो मंदिर का जो ढांचा बदल गया इसी पर विवाद है, तो तमाम साक्ष्य जो कल भी आज भी जो मिल रहे हैं वही साक्ष्य के आधार पर कोर्ट फैसला करेगा। कोर्ट जो है साक्ष्यों के आधार पर फैसला करता है न कि किसी और बात पर। आप लोग कहाँ से आए, आपको क्या लगता है जो सर्वे चल रहा है इससे कुछ निकल के आने वाला है? बिल्कुल सर, जैसे हमें राम मंदिर मिला है वैसे हमें ये काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर भी मिलेगा और कोर्ट के ऊपर पूरा भरोसा हिंदू समाज को, सनातनी समाज को। आप लोग बताएंगे, आप बताएंगे इस तरह का सर्वे चल रहा है उससे क्या मिलने वाला, आप बताएंगे? सर्वे से ये हम लोगों को उल्लास है कि सर्वे से जो चीजें तथ्य आ रहा है, हम प्रमाण कुछ हमारा सबूत था तभी हम ये दावा पेश किए थे कि मेरा यहाँ पर मंदिर था और मेरे मंदिर के साथ छेड़छाड़ किया गया और उसका पुख्ता प्रमाण है। आज तमाम जो सर्वे से कल जो मिला था, बहुत से मूर्तियां मिली थी, मगरमच्छ मिले थे, ये तमाम जो चिन्ह बनाए गए हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में ये चीजों का चिन्ह है, लेकिन इस्लाम के पास ऐसा कोई चिन्ह नहीं होता है। तो आप बता रहे हैं कि जो चिन्ह मिल रहे हैं उससे ये साबित होगा कि वहाँ पर जो है वो मंदिर का भवन था। अपने अपने दावे यहाँ पर मानवेंद्र किए जा रहे हैं और उत्सुकता ये साफ तौर पर नजर आती है तमाम लोगों को जो, लेकिन ये चुनौती खत्म होते हुए नहीं दिखाई पड़ती क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पर बात कही जा रही है। हमारे संवाददाता सुशांत भी ग्राउंड पर लगातार बने हुए हैं। सुशांत, अब तक की ये ताजा जानकारी जैसे कि मानवेंद्र ने बताया कि सर्वे को लेकर कि ज्ञान वापी के सर्वे का 80% काम पूरा हो चुका है, आपके पास क्या ताजा जानकारी सर्वे को लेकर? देखिए, अभी तक की जो सर्वे की जानकारी आ पाई है कमीशन के द्वारा, वो हमारे पास अभी तक ये आ पाई है कि ज्ञान बाबे की जो पश्चिमी छोर है जहां पर हिंदू पक्ष का दावा है कि मंदिरों के गुंबद है जो 125 फीट चौड़ी और लंबी जगह है, वहां पर जो कमीशन की कार्रवाई है वो अंतिम रूप ले रही है। यानी कि जो अभी जो समय हो रहा है, माना जा रहा है कि आधे घंटे में जो कमीशन की कार्रवाई है वो संपन्न हो जाएगी, ऐसा अंदेशा है। क्योंकि जो मस्जिद का पहला फ्लोर था, तहखाने की छत थी जहां पर की नमाज पढ़ी जाती थी, वहां का जो कमीशन का कार्रवाई है वो संपन्न हो गया है। इस समय ज्ञानवापी की पश्चिमी छोर पर जो कमीशन की कार्रवाई है वो संपादित की जा रही है और माना जा रहा है कि आधी घंटे यानी कि 30 से 35 मिनट में वहां पर की जो कमीशन की कार्रवाई है उसका संपादन हो जाएगा और उसके बाद कागजी कार्रवाई के बाद कोर्ट कमिश्नर अपनी टीम के साथ बाहर आएंगे। माना जा रहा है कि 12 बजे तक जो कोर्ट कमिश्नर है वो अपनी टीम के साथ बाहर आ सकते हैं। तस्वीरों में आपको दिखाएंगे, ये देखिए ज्ञानवापी यहां से मात्र जो है 200 मीटर का फासला है, जो बैरिकेटिंग ये पुलिस की टीम्स लगी हुई है, यहाँ पर भी किसी को भी आगे अनुमति नहीं है, यहाँ पर पीएससी भी है साथ में पुलिस की टीम भी है। तो जो अभी तक सूचना आई है उसके अनुसार मात्र 30 से 35 मिनट और ये कमीशन की कार्रवाई चलेगी और उसके बाद कमीशन की कार्रवाई खत्म हो जाएगी और कोर्ट कमिश्नर की आगे कार्रवाई के बाद फिर ज्ञानवापी परिसर से बाहर आएंगे और लगभग 12 से 12:30 का समय होगा जब यहाँ पर कोर्ट कमिश्नर आएंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि कल की तरह कि आज भी वो कुछ बताने से मना करते हैं या फिर आज वो कुछ बताते हैं कि आज कमीशन की कार्रवाई में क्या रहा, उन्हें क्या कुछ मिला और किस तरीके से वो आख्या प्रस्तुत करेंगे। हालांकि उम्मीद ये जताई जा रही है कि आख्या चूंकि परसों 17 मई को प्रस्तुत करनी है, ऐसे में बहुत ज्यादा कुछ कोर्ट कमिश्नर अपनी तरफ से नहीं कहेंगे, पर देखने वाली बात यह होगी कि कल जिस तरीके से साक्ष्य मिले थे और उन साक्ष्यों को लेकर जो अंदर गए थे लोग कोर्ट कमिश्नर के सहयोगी, उन्होंने बताया था कि हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति हो, कलश हो या फिर मगरमच्छ हो, इन सारी चीजें मिली कि संगमरमर की मूर्तियां मिली है। तो आज देखने वाली बात होगी आज साक्ष्य के रूप में क्या मिलता है, क्योंकि कल का दिन जो था वो बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि तहखाना लगभग 30 सालों बाद खुला था। पर आज जो सर्वे हो रहा है वो बाहर का हो रहा है, जो नंगी आंखों से भी अगर आप दर्शन करने जाएं तो वहां बाहर आपको दिखाई देता है। तो उन सारे साक्ष्यों की आज वहां पर कमीशन की कार्रवाई हो रही है, माना जा रहा है कि आधी से 5 घंटे तक और कमीशन की कार्रवाई चलेगी और उसके बाद कोर्ट कमिश्नर परिसर से बाहर निकलेंगे। बिल्कुल, पूरे गोपनीय तरीके से ये सर्वे यहाँ पर किया जा रहा है और जैसा कि आप बता रहे कि अगले आधा घंटे में ये सर्वे संपन्न भी हो जाएगा। जाहिर तौर पर 17 मई को किस तरह से यहाँ पर सर्वे रखा जाता है और क्या कुछ यहाँ पर जो साक्ष्य मिले, क्योंकि कयासों का बाजार कहीं ना कहीं सुशांत देखा जाए तो काफी गर्म है, अपने अपने तर्क जो है वो यहाँ पर दिया जा रहा है। आपके पास आएंगे लगातार हमारे संवाददाता मानवेंद्र भी बने हुए हैं। मानवेंद्र, लगातार सर्वे चल रहा है और जैसा कि सुशांत ने बताया कि आधे घंटे में ये सर्वे जो है वो पूरी तरीके से संपन्न भी हो
जाएगा। बेहद गोपनीय तरीके से ये जो प्रक्रिया है वो लगातार सर्वे की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद पूरे देश की निगाहें इस सर्वे पर टिकी हुई है और सभी के जहन में सिर्फ एक ही सवाल है कि क्या इस सर्वे के बाद जो तहखाने के अंदर राज छुपे हुए हैं उनसे पर्दा उठ पाएगा। जी देखिए, सर्वे करने के बाद जो टीम है, जो कोर्ट कमिश्नर की टीम है, जो एडवोकेट कमिश्नर है, उनकी टीम पूरे सर्वे की रिपोर्ट को, उसका डॉक्यूमेंटेशन होगा और उसके बाद उसको कोर्ट के सामने रखा जाएगा। तो जानकार बताते हैं कि अगर प्रमाण ऐसे कुछ मिलते हैं जैसा कि दावा किया जा रहा है, वहां पर किसी मंदिर के अवशेष मिलते हैं या ये बात इन सर्वे से साबित होती है कि वो जो स्ट्रक्चर है वो किसी मंदिर का हिस्सा है, उसमें जो इमारत है वो मंदिर की थी, उसको ऊपर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई है, तो कोर्ट इस पूरे मामले में, अगर कोर्ट इस सर्वे टीम की सर्वे से जो संतुष्ट होता है तो इस मामले को एएसआई से सर्वे कराने का भी आदेश दे सकता है। जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है जिसने राम जन्मभूमि परिसर का सर्वे किया था, जो बाबरी मस्जिद वाला विवाद था, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है उसकी टीम वो इस पूरे मामले का सर्वे कर सकती है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो है उसको सर्वे कोर्ट करने को दे सकता है, अगर कोर्ट इस जो सर्वे है इससे संतुष्ट होता है, क्योंकि दोनों अलग अलग तरह के सर्वे होते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का अपना तरीका होता है, उन्होंने जिस तरह से हमने देखा था अयोध्या जन्मभूमि, राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने सर्वे किया था और उसके बाद जो मामला था वो साबित हो सका था, तो देखना ही होगा। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कानूनी लड़ाई जो है वो वाराणसी जिला न्यायालय से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक चल रही है। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट के दखल की भी उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट जो जिस तरह का दावा मुस्लिम पक्ष की तरफ से किया जा रहा है कि 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो उसके हिसाब से किसी भी ऐसी विवादित जो धर्म स्थल है उसका स्टेटस नहीं बता जा सकता, जो कि 1947 के बाद जिसको दावा किया जा रहा है, तो 1947 के पहले के जो विवाद हैं वही निपटाए जाएंगे ऐसा दावा किया जा रहा है, तो ये भी देखना होगा कि बात कीजिएगा। लेकिन इसी के साथ में आऊंगी, लेकिन एक बार पहले सुशांत का रुख कर लेते हैं। सुशांत, अंदर लगातार जो सर्वे प्रक्रिया है वो जारी है और अगले आधे घंटे में ये प्रक्रिया संपन्न होगी, कोर्ट कमिश्नर जब बाहर आएंगे तो तब क्या तस्वीर रहेगी, ये तो अपने आप में बड़ा सवाल ही है। लेकिन इसी के साथ कयासों का बाजार इस सर्वे को लेकर है। पहले दिन की कार्रवाई जब हुई और जब सर्वे हुआ तो कई तरह के ऐसे कलाकृतियां जो हिंदू धर्म की तस्दीक करती है, कई ऐसे आटे के जानता हो या फिर मगरमच्छ को लेकर कई तरह के कयास यहां पर लगाए जा रहे हैं, लेकिन कयासों के बीच कहीं ना कहीं ये भी चीज सामने आई आज दूसरे दिन के सर्वे के दौरान पर कि कई ऐसी दीवारें हैं जिन्हें चूने से रंगा गया है, दीवारों के कुछ अंश ऐसे हैं जहां पर सफेद चूने से उसको रंगा गया है। अब ये कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है कि जब ये पूरा मसला कोर्ट में है और इस तरह की तस्वीर अगर आती है निकलकर, क्योंकि 17 मई को क्या रहता है, कोर्ट में क्या साक्ष्य यहां पर पेश किए जाते हैं सर्वे के दौरान के, वो तो देखना रहेगा, लेकिन जो ये खबर सामने आ रही है ये भी बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाती है कि जब कोर्ट में ये पूरा मामला है तो फिर इस तरह की छेड़छाड़ क्यों? देखिए, जाहिर सी बात है कि 50 से भी अधिक लोग इस सर्वे में अंदर गए हुए हैं, जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि आगे पूरे सन्नाटा है, कोशिश लगातार ये की गई है कि सब कुछ गुप्त रहे, पर जिस तरीके से लोग वहां पर गए हुए हैं तो जाहिर सी बात है बहुत सारी चीजें छन कर बाहर आ रही हैं। जब 50 से अधिक लोग वहां पर रहेंगे तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो बाहर आकर कुछ ना कुछ बात करेगा, कुछ ना कुछ बोलेगा, और यही कारण है कि जो सर्वे का पहला दिन था के पहले दिन भी हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे तथ्य हमारे पास सामने आए जो तहखाने के अंदर जी तक उस तहखाने के अंदर बंद थे, या यूं कहे कि लगभग 354 साल बाद वो ये तहखाने का राज जो है वो सबके सामने आ रहा है। तो फिलहाल काशी की बात करें तो काशी के संत समाज भी हमारे साथ है, तो जी बताइए जिस तरीके से ये कमीशन हो रही है किस तरीके की आप लोगों को उम्मीद है, किस तरीके की खुशी है? ये हम सबकी अपार खुशी है और बाबा विश्वनाथ के जो सत्यम शिवम सुंदरम है वो सत्य प्रमाणित हो रहा है और कोर्ट के आदेश के द्वारा जो सर्वे हो रहा है ये बहुत अच्छी बात है और बहुत हम सब आनंद हैं। और इतने दिन हम सब के मुख दबा हुआ था और मुंह दबाकर वो जो सत्यता है उसको दबा दिए थे, उसका आज कोर्ट न्यायालय के आदेश के द्वारा वो सत्य जांच रहा है और सत्य के सब सारी जनता जनार्दन के सामने आएगा।
तो क्या लगता है कि अभी जो कमीशन की कार्रवाई हो रही है इसके बाद जब आख्या पेश होगी कोर्ट में, तो आप लोग जो अब तक कहते आए थे वो सारी चीजें अब जो सच है ज्ञानवापी का वो दुनिया के सामने आना शुरू हो जाएगा? एकदम दुनिया के सामने शुरू हो जाएगा। जो सत्यम है, जो सुंदर है, शिवम है, जो सत्य प्रमाण, जैसे कहा जाता है धर्म के विजय होती है और धर्म का नाश होता है, विनाश होता है, तो सत्यम किम प्रमाण, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम। और जब नंदीश्वर वहाँ साक्षात भगवान बाबा विश्वनाथ के तरफ मुख करके बैठे हैं तो वहाँ बाबा विश्वनाथ जी तो है ही है। तो क्या आपके अनुसार क्या क्या वहाँ पर साक्ष हो सकते हैं, क्या आप लगता है जो आपने अभी तक वहाँ पर गए होंगे आप या पुराणों में आपने पुराने लोगों से सुना होगा, क्या सुना है? हाँ, उसमें सुने हैं उस मस्जिद के अंदर में ब्रह्मा जी की मूर्ति है, भगवान विष्णु की मूर्ति है, दुर्गा जी की मूर्ति है, सरस्वती की मूर्ति है और श्रृंगार गौर की मूर्ति बाहर में ही है, परंतु वहाँ हमारे हिंदू देवी देवताओं के जो चिन्ह हैं जैसे पद्म है, सर्प है, ये सब प्रत्यक्ष वहाँ अंदर में है, तो ये सब प्रमाणित हो रहा सारे दुनिया के सामने। तो ये मंदिर हम सब का है और ये मंदिर हम सबको मिलना चाहिए। तो आपको लगता है कि 354 साल बाद जो तहखाने का राज सामने आ रहा है इससे बहुत कुछ साफ होगा, जो अब तक ये जो राज जो है गुमनामी के अंधेरे में खोया हुआ था वो अब न्याय के प्रकाश में पूरी दुनिया के सामने आएगा? बिल्कुल दुनिया के सामने आएगा, क्योंकि प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, वहाँ तो सब कुछ है ही है, परंतु वो ऐसे मुगल शासक थे, अत्याचारी विधर्मी लोग थे जो उनको दबा दिए थे और दबा देने के पश्चात वो हिंदू कितने उसमें जनार्दन शहीद हो गए, कितने लोग के मारा गया, कितने लोग के दबाया गया है और उसका सत्य प्रमाणित आज 350 साल बाद में आ रहा है। 350 साल बाद आपकी उम्मीद है कि अब जब आख्या पेश होगी तो सारा सच सामने आएगा? यह सिर्फ तहखाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरी ज्ञानवापी परिसर की बात कर रहा हूँ। पूरा ज्ञान